Hello everyone, good morning to all. I am Supriya Sarkar, I am your dance teacher. So today I am going to discuss about one of my most favorite subject, which is dance. And I am very sure it is most favorite activities for the students too. So are you ready for learn dance? Start. What is dance? डांस क्या है? फॉर मी मूवमेंट इन योर बॉडी अकॉर्डिंग टू द रिदम. हमारी बॉडी का कोई भी एक मूवमेंट अगर रिदम गाने के साथ अगर चलने लगता है उसी को हम डांस कहते हैं. एनी मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी ऑन अ सिंगल बीट ऑफ म्यूजिक इज नोन एज डांस. इसका मतलब ये होता है हमारी बॉडी से निकला हुआ कोई भी एक मोमेंट अगर म्यूजिक या सॉन्ग के साथ मूव करने लग जाता है उसी को डांस कहते हैं. वही डांस कहलाता है. इन जनरली वी कैन से शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन द्वारा भाव को प्रकट करने की जो क्रिया होती है उसी को डांस कहते हैं. नृत्य संगीत का एक अंग है और संगीत के अंग है गायन और वादन. दे ऑल थ्री आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द म्यूजिक इज कंप्लीटेड बाय दीज थ्री, गायन, वादन एंड नृत्य. इन तीनों को मिलाकर एक नृत्य को पूरा किया जाता है, एक संगीत को पूरा किया जाता है गायन, वादन और नृत्य के द्वारा. सो नाउ आई विल टेल यू हाउ द डांस स्टार्टेड. डांस कैसे स्टार्ट हुआ, डांस कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब मैं आपको वो बताऊंगी. प्राचीन काल में, बहुत पुराने टाइम पे जो मनुष्य होते थे वो वनों में रहते थे. वहाँ पे वे शिकार करने के लिए निकलते थे और जब उन्हें वो शिकार अपना मिल जाता था वे अपने परिवार के पास लाके उसको आग में जलाकर उसका आनंद उठाते थे और फिर उसके बाद अपने परिवार के साथ उस आग के चारों तरफ गोला बनाकर जिस तरीके से वो अपनी प्रसन्नता को आगे लेके आते थे उसी तरीके से ये डांस आया. धीरे धीरे उस सुंदरता को नृत्य में लाया गया, उसको नृत्य कला के रूप में लिया गया. वह अपनी खुशियों को इस तरह से दिखाते थे, इस तरीके से जाहिर करते थे अपने परिवार के द्वारा और इसी तरीके से ये नृत्य आया. और आज के टाइम पे नाउ पीपल स्टार्टेड टू डांस हैप्पीली ऑन एवरी ओकेजन. अब आज के दिन में लोग पूजा में, विवाह में, हर जगह में इस डांस को करते हैं और अपने खुशियों को इसी तरीके से नृत्य के द्वारा वह जाहिर करते हैं. सो इस प्रकार से डांस संसार में आया. दिस इज हाउ डांस वॉज बॉर्न इन द वर्ल्ड. हमारे देश में नृत्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना जाता है, इसे ईश्वर की उपासना की वस्तु भी समझा जाता है. बिकॉज इट इज बिलीव दैट दिस आर्ट केम फ्रॉम द गॉड. ये नृत्य, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये नृत्य ईश्वर के द्वारा लाया गया नृत्य है. सिमिलरली द आर्ट ऑफ डांस हैज डेवलप्ड इन टू फॉर्म्स. फर्स्ट इज अ लोक नृत्य, सेकेंड वन इज अ शास्त्र नृत्य. लोक नृत्य, हमारे देश में लोक नृत्य, हमारे देश में लोक नृत्य से ही भरा हुआ है. अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के लोक नृत्य देखने के लिए मिलते हैं हमें, जिसे जैसे गुजरात का गरबा, पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, इसी तरीके से अलग अलग लोक नृत्य हमें देखने के लिए मिलते हैं. सेकंड वन इज अ शास्त्र नृत्य. शास्त्र नृत्य सात होते हैं. फर्स्ट इज अ भरतनाट्यम, सेकंड वन इज अ कथक, नेक्स्ट कुचिपुड़ी, नेक्स्ट वन इज अ ओडिसी, देन कथकली, मणिपुरी एंड लास्ट वन इज अ मोहिनीअट्टम.
सात प्रकार के शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। सो वी डिस्कस अबाउट भरतनाट्यम डांस हिस्ट्री। आई विल एक्सप्लेन द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ भरतनाट्यम एंड वी लर्न हाउ टू डू नमस्कारम इन भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल ट्रेडिशनल डांस इन इंडिया। दिस डांस ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड डांस। ये डांस लगभग 2000 साल पुराना नृत्य है। बेसिक फ्रॉम फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का नृत्य है। ये नृत्य पुराने टाइम पे देवदासियों के द्वारा किया जाता था। देवदासी, देव की दासियां। इस नृत्य को पहले टाइम पे सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता था। आज के टाइम पे ये नृत्य सभी लोग करते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। और पहले के टाइम पे इस नृत्य को सिर्फ मंदिरों में किया जाता था। आज के टाइम पे ये नृत्य हर जगह पे प्रसिद्ध माना जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय ओनली देवदासीज। भरतनाट्यम हैज टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज डांस एंड सेकेंड पार्ट इज एक्शन, एक्सप्रेशंस, अभिनय। आई हैव गिवन यू द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ भरतनाट्यम डांस एंड नाउ आई विल शो यू हाउ टू डू नमस्कारम इन भरतनाट्यम डांस। सो नाउ आई विल स्टार्ट नमस्कार। नाउ आई विल स्टार्ट नमस्कारम। सो लेट्स स्टार्ट। Put your hands in the front of your chest and right leg tap and left leg tap. Then slowly put your hands on your shoulders. Then slowly round, make a circle and sit in Mool Mandi. And hand should be in Shikrakashya. And put your hands in Chaturo. And put into the floor. And then put into your eyes. Then slowly stand up. And now I repeat once again. Put your hands in the front of your chest, slowly right leg tap, then left leg tap, slowly put your hands on your shoulders and make a circle and sit down in Mool Mandi. Slowly put your hands on the floor, make a chaturu and then put your hands on your eyes, then slowly do namaskaram, then stand up. Thank you. Now this class concludes here. Rest of the things will be explained in next class. So I would like to request you to practice it at home. So bye.